नरेला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विश्वास सारंग को वार्ड 69 लाला लाजपत राय कॉलोनी शुक्ला हाउस के सामने फलों से तोला गया। इस दौरान सारंग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेला दौरे को लेकर तंज कसा। कहा कि राहुल गांधी नरेला का विकास देखने आ रहे हैं और आगामी चुनाव में नरेला विधानसभा से भाजपा ही विजयी होगी। नरेला विधानसभा राजधानी भोपाल की अहम सीट है। यहां बीजेपी के विश्वास सारंग और कांग्रेस से मनोज शुक्ला प्रमुख प्रत्याशी हैं। विश्वास सारंग दो बार के विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। वे क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर वोटर्स के बीच जा रहे हैं। तो वहीं रविवार को नरेला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विश्वास सारंग वार्ड क्रमांक 69 में पहुंचे, तो वहीं भाजपा जिला मंत्री शैलेंद्र शुक्ला भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास उनके नेतृत्व में आज 107 लाला लाजपत राय कॉलोनी शुक्ला हाउस के सामने भव्य ऐतिहासिक आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया और फलों से उन्हें तोला भी गया। जनता का समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। राहुल गांधी 13 तारीख को आ रहे हैं नरेला विधानसभा। नरेला विधानसभा का विकास देखने आ रहे हैं कि कितने फ्लाईओवर बन गए। राहुल गांधी देखने आ रहे हैं कि घर घर नर्मदा का जल पहुंच गया। राहुल गांधी यहां की रोड देखने आ रहे हैं, क्योंकि विकास के मामले में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया, उनका स्वागत है। 7 तारीख का न्योता दे रहे हैं कि भोपाल सबको अपना अपना अधिकार है। देखिए, मैं शहर में भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री होने के नाते यहाँ सभी 7 विधानसभाओं में जाकर प्रत्याशियों के लिए मतदान हम मांग रहे हैं। और इस वक्त जनता ने भोपाल शहर की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है और सबने मन बना लिया है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है और उसकी विकास और रीति नीति के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सनातन सद्मार्ग और परहित सरस धर्म नहीं भाई वाली नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। विश्वास भाई ने जो विकास की गंगा बहाई नरेला में, उसका कोई सारी नहीं है। जितना विकास विधानसभा उन्होंने 2008 से लेकर अभी तक किया है, वो आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। और अभी भी जनता ये चाहती है कि विश्वास अपने नरेला क्षेत्र में प्रचंड बहुमत से जीत के आए और उसी का आशीर्वाद दिया है कि वो विजयी। वहीं जनसंपर्क के दौरान भारत शुक्ला, प्रकाश शुक्ला, राजीव शुक्ला, क्षेत्रीय पार्षद सूर्यकांत गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और राजधानी की ये विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। तो वहीं नरेला में बीजेपी की मजबूत पकड़ है, यही कारण है कि नरेला से बीजेपी लगातार 3 बार से विधानसभा चुनाव जीत रही है। EMT न्यूज़ भोपाल।